आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नेचुरल कैल्शियम सोर्स की जो हम आसानी से अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, जिसे खाने से हमारे बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं और अच्छे से हमारे पास रहते हैं, और इसे खाने से हमारे बर्ड्स के एग की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहता है, और जो चिक्स निकलते हैं वे भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और जल्दी से ग्रो करते हैं, और इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा निकलता है। और इन सब को मैं भी अपने बर्ड्स को यूज़ कराता हूँ और मेरे बर्ड्स को इन्हें खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये मेरे पास काफ़ी अच्छी ब्रीड भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बताया जाए जिससे आपके बर्ड्स को भी फ़ायदा पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल कैल्शियम सोर्स की। तो पहले नंबर पर आता है गेहूं। गेहूं हम अपने बर्ड्स को किस तरह से दे सकते हैं कि आपको थोड़ा गेहूं ले लेना है और उसको पानी में भिगो देना है, और उसके बाद जैसे अब विंटर सीजन है तो उसको सुबह मॉर्निंग में उबाल लेना है, और जब अच्छे से गेहूँ उबल जाए तो आप उसको अंगूठे की सहायता से चेक कर ले कि अच्छे से उबल गया है या नहीं, और अच्छे से उबल जाने के बाद आप अपने बर्ड्स को इसे खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए आप गेहूं को कितने शौक से हमारे बजरी तोते खा रहे हैं। गेहूं के अंदर फाइबर, विटामिन और भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। गेहूं खाने से हमारे बर्ड्स काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं और काफ़ी अच्छी ब्रीड भी करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कटल फिश बोन, जिसे हम समुद्री झाग के नाम से भी जानते हैं, और इसको भी हमारे बजरी तोते काफ़ी शौक से, काफ़ी पसंदी से खाते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है, और आपको ये किसी भी पंसारी की दुकान से लेकर आ जाना है और उसके बाद अपने बर्ड्स की कॉलोनी या केज के अंदर इसको रख देना है या तार की सहायता से लगा देना है। आपके बर्ड्स का जब भी मन होगा वो इसके पास जाकर इसको आराम से खा लेते हैं। तो बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है मटर, और मटर के छिलकों को भी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी शौक से हमारे बजरी तोते खाते हैं। देखिए आप किस तरीके से मटर के छिलकों को भी और मटर को भी अच्छे से मेरे बजरी तोते खा रहे हैं, और इनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम वगैरह होता है। तो आपको इसे किस तरीके से तैयार करना है कि आपको मार्केट से थोड़े मटर लेकर आ जाने हैं, और उसके बाद इनको अच्छे से पानी में धो लेना है, जिससे कि इनके अंदर अगर मिट्टी वगैरह लगी हो तो वे निकल जाए और इसे खाने में कोई प्रॉब्लम हमारे बर्ड्स को ना हो। अच्छे तरीके से धो लेने के बाद आपको मटर को छील लेना है और दाने को इस तरीके से थोड़ा सा हाथ की सहायता से तोड़ लेना है, जिससे कि इन्हें खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके बाद अपने बर्ड्स को इसे खाने के लिए देना है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी शौक से इसको बर्ड्स खा रही है। चौथे नंबर पर आता है एग फूड। एग फूड हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फूड है, और एग फूड के अंदर विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन होता है, और एग फूड हम सर्दी के मौसम में दो बार अपने बर्ड्स को ज़रूर देना चाहिए। तो आपको किस तरीके से इसे तैयार करना है कि आपको अपने बर्ड्स के हिसाब से एग ले लेना है और उसके बाद उसको उबाल लेना है, और अच्छे से जब एग उबल जाए तो उसके अंदर आपको एक एग के अंदर 3 ब्रेड ऐड कर लेने हैं और उसको अच्छे से आपस में मिला लेना है। और मैं भी इसी तरीके से अपने बर्ड्स को एग फूड देता हूँ, और एग फूड खाकर मेरे बर्ड्स काफ़ी अच्छे से रहते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों अंडों के छिलके का पाउडर। इसके अंदर भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, और इसको हमारे बर्ड्स को देने से हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी आसानी से पूरी हो जाती है। तो इसे तैयार कैसे करना है कि आपको अंडों के छिलके का पाउडर बना लेना है, और उसके बाद जब आप किसी भी सॉफ्ट फूड के ऊपर इसको इस तरीके से छिड़क कर अपने बर्ड्स को खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए आप इसे चावल के ऊपर भी छिड़क कर दे सकते हैं, और मैं आज गेहूं दे रहा हूं तो गेहूं के ऊपर मैंने इसको छिड़क दिया है। तो आप देखिए आप कितने जल्दी से बर्ड्स इसको आसानी से खा लेते हैं, बर्ड्स को इसे खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आप इस तरीके से सॉफ्ट फूड के ऊपर 2 से 3 चुटकी छिड़क कर अपने बर्ड्स को खाने के लिए देना है, और मैं भी इसी तरीके से अपने बर्ड्स को देता हूँ, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिलता है। और ये कुछ नेचुरल कैल्शियम सोर्स थे जो मैं अपने बर्ड्स को हमेशा देता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे भी मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।